Okay, let us now solve the third question. Third question says, if a line intersects AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, then prove that AD upon AB is equals to AE upon EC. Okay, so let us first understand the question. See, ज्योमेट्री में एक खास बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो हमेशा गिवन कंडीशंस को लिखिए, अपनी नोटबुक में गिवन कंडीशंस को लिखिए। आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि नहीं, बुक में लिखा हुआ है, गिवन कंडीशंस तो बुक में लिखी है, तो फिर नोटबुक में क्यों लिखे। बट उसके पीछे भी एक रीजन है। जब आप अपने हाथ से खुद अपनी नोटबुक में गिवन कंडीशंस को लिखते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उन कंडीशंस को समझ पाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी विल फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रोसेस टू राइट द गिवन कंडीशंस एंड टू राइट द टू प्रूव एंड द कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, बिकॉज द क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व प्रूफ आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, जनरली जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। इट सेज कि एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एबीसी को, सॉरी एबी एंड एसी को ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो डेफिनेटली यहां पर एक ट्रायंगल की बात तो हो रही है। सबसे पहले एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी। इस एबीसी में डी और ई दो पॉइंट्स हैं जहां पर यह लाइन इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी और ए सी, ओके, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स डी एंड ई सच दैट द लाइन इज पैरेलल टू बी सी। तो बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है कुछ इस तरह से, और यह लाइन ए बी को डी पे कट करती है और ए सी को ई पे कट करती है। ओके, एडी को किस पे, ए बी को डी पे और ए सी को ई पे कट करती है, एंड दिस इज द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स डी एंड ई। ओके, इट इज गिवन दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी। सो इफ आई वॉन्ट टू राइट द गिवन कंडीशंस, सो द कंडीशन दैट इज गिवन इज डी ई पैरेलल टू बी सी। तो देखिए, अगेन एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। तो गिवन कंडीशन लिखते से ही हमारे माइंड में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आनी चाहिए। ओके, सो हमने लिखा डी ई इज पैरेलल टू बी सी। देन गिवन के बाद टू प्रूव। अब सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। सो हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। यह हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं कि यह फिगर में कहां है। ए डी इज दिस, ए बी इज दिस कंप्लीट लाइन। ओके, ए डी ये है, ए बी ये पूरा है, इज इक्वल्स टू ए ई इतना पार्ट है और ए सी ये पूरी लाइन है। ओके, ए सी इज कंप्लीट लाइन, ए ई इज दिस मच लाइन, दिस इज ए डी एंड दिस इज ए बी। हमें इन्हें इस रेशो को बराबर प्रूफ करना है। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ओके, नाउ देन लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अब हम प्रूफ के ऊपर आते हैं, अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रूफ जब भी आप किसी क्वेश्चन में स्टार्ट करें तो हमेशा सबसे पहले गिवन कंडीशंस को देखकर इससे ड्रॉ किए जाने वाले कंक्लूजन्स को लिख लीजिए। ओके, क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि जब भी आप प्रूफ स्टार्ट करें हमेशा गिवन कंडीशंस के बेसिस पे जो भी कंक्लूजन्स सामने आ रहे हैं उन्हें लिख लीजिए, बिकॉज उनसे जरूर कुछ ना कुछ आपको कोई एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चन के प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि गिवन कंडीशंस में सिर्फ इतना दिया है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और हमारे लिए इतना काफी है, बिकॉज अगर डी ई बी सी के पैरेलल है सो वी कैन राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए
E upon EC by basic proportionality theorem. Again, आपको पूरा statement यहां पर लिखना है, मैंने सिर्फ BPT लिखा है. So, AD upon DB is equals to AE upon EC हमें दिख रहा है कि हाँ ये चीज हो रही है. लेकिन हमें प्रूफ करना है AD upon AB is equals to AE upon AC. You can see, मुझे चाहिए AD के नीचे AB, okay? AD के नीचे AB और AE के नीचे क्या चाहिए? AC. तो definitely ये जो चीज लिखी हुई है यहां तर, ये जो कंडीशन हमने लिखी है, इस कंडीशन से डायरेक्ट तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, सिर्फ ये कंडीशन दिखाई दे रही है. और अगर हम इस ट्रायंगल को एनालाइज करें, इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखें, तो यू विल फाइंड कि AD, AB और DB, ओके, AD, AB और DB इनमें एक रिलेशन है. कैसा रिलेशन? मुझे दिख रहा है कि AB इज इक्वल्स टू AD प्लस DB. क्या है? AB इज इक्वल्स टू AD प्लस DB. अब देखिए, जो मुझे प्रूव करना है उसमें यहां पर AB है और जो कंडीशन मिल रही है उसमें यहां पर DB है. इसका मतलब अगर किसी तरह से मैं DB को यहां से रिमूव कर दूं, किसी तरह से मैं DB को यहां से हटा दूं, तो क्या मैं AD अपॉन AB वाली कंडीशन को ला सकता हूं? हाँ, बिल्कुल ला सकता हूं. DB की जगह पे मुझे क्या चाहिए? मुझे AB चाहिए. और ये कंडीशन को देख के क्या मैं DB का वैल्यू निकाल सकता हूं इस कंडीशन के बेसिस पे? फ्रॉम दिस कंडीशन आई कैन राइट दैट DB इज इक्वल्स टू AB माइनस AD. क्या मैं ये कंडीशन लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट दिस कंडीशन. सिमिलरली AE के नीचे मुझे AC चाहिए, लेकिन AE के नीचे EC है. EC इज दिस लेंथ. और इस ट्राइंगल की इस साइड में, इस AC साइड में हम एक छोटा सा रिलेशन देख सकते हैं दैट AC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC. तो अगर किसी तरह से मैं इस EC को हटा के AC को सब्स्टिट्यूट कर दूं, कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, कैसे रिमूव करूंगा इस EC को यहां से? मैं EC की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेता हूं. इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि EC इज इक्वल्स टू AC माइनस AE. तो हमारे पास DB का वैल्यू आया AB माइनस AD, EC का वैल्यू आया AC माइनस AE. इन दोनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में. सो वी विल गेट AD अपॉन AB माइनस AD, ओके, इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC माइनस AE. क्या ये कंडीशन हमें दिखेगी? AD अपॉन AB माइनस AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC माइनस AE, ओके, ये कंडीशन हमें दिख रही है. नाउ व्हाट आई कैन सी, यहां पर AD अपॉन AB माइनस AD भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे AD नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ AB चाहिए. तो मैं सिर्फ AB से कैसे बनाऊंगा? देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दूं, ओके, क्या करूं मैं इसका रेसिप्रोकल? अगर इस इक्वेशन का हम रेसिप्रोकल करेंगे, सो यू विल गेट AB माइनस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC माइनस AE अपॉन AC, सॉरी अपॉन AE. यही कंडीशन आपको मिलेगी, ओके. नाउ आफ्टर दिस AB माइनस AD अपॉन AD, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं. AB अपॉन AD माइनस AD अपॉन AD, ओके, AB अपॉन AD माइनस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE माइनस AE अपॉन AE, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं. नाउ आई कैन सी AD और AD कैंसिल हो जाएगा, AE और AE कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट में आएगा AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ओके, बिकॉज ये कैंसिल होगा. दिस विल बी, लेट अस राइट ऑल द स्टेप्स. मैं फिर से पूरे स्टेप्स लिख देता हूं. यहां पर हमें मिलेगा AB अपॉन AD माइनस वन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई माइनस वन. नाउ माइनस वन दोनों साइड से कैंसिल, यू विल गेट ए बी अपॉन ए डी
इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन ए बी चाहिए और ये जस्ट उल्टा है, तो क्या कर सकते हैं, फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए। फिर से जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, आई विल गेट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल ऑब्टेन। ओके, क्या दिख रहा है रेसिप्रोकल करने पे, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, तो लॉजिक क्या लगाया, अप्रोच क्या लगाई, हमने गिवन कंडीशन को लिख दिया, फिर हमने देखा कि गिवन कंडीशन और इसमें, इस प्रूफ में थोड़ा सा ही अंतर है कि डीबी की जगह कैसे भी करके ए बी आना चाहिए, तो हमने डीबी की जगह पे ए बी लिखा, लेकिन ए बी माइनस ए डी आ गया, सिर्फ ए बी नहीं आया, तो फिर हमने क्या करा, हमने इस इक्वेशन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये चीज आपको सोचनी है कि इसको मैं कैसे मैनिपुलेट करूं, कैसे रेसिप्रोकल करूं। ओके, बिकॉज हमारा टास्क है कि यहां से ए डी को हटाना है, तो ए डी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म करना पड़ेगा, तो हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसे रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करके जस्ट ये रिलेशन आ जाएगा, और फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, सो यू विल गेट दिस फाइनल रिलेशन। ओके, सो दिस इज हेंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन सी इट्स एन इजी क्वेश्चन, बट स्टिल थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशो यहां पर इन्वॉल्व हो गया। हमने रेशो का जस्ट कॉन्सेप्ट लगा दिया कि रेसिप्रोकल करके सॉल्व करें, फिर से रेसिप्रोकल करें, तो डिनोमिनेटर में से ये वाला टर्म दोनों तरफ से रिमूव हो गया, यहां से ए ई को हटाना था, यहां पर ए डी को हटाना था। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, लेट अस नाउ सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस शीट। फोर्थ क्वेश्चन सेज, इन द गिवन फिगर, इफ एल एम is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equals to AN upon AD. Okay, AM upon MB is equals to AN upon AD. You need to prove if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. So for that, let us first draw the figure. Question number 4. If I look at the figure, it is something like this, and then like this. Okay, like this. This is A. This is B, C and D, and this is L, this is M and this is N. Okay? In this figure, it is given that this LM is parallel to BC. So let us write the given conditions. It is given that LM is parallel to BC, and second thing is given as LN is parallel to DC. So LM is parallel to BC and LN is parallel to DC. These are the two conditions that are given in the question. And further, we need to prove that AM upon AB. is equals to AN upon AD. Okay? So now, this is the question, this is the given conditions. आपको दिया है कि LM और BC parallel है, LN और DC parallel है, और AM upon AB is equals to AN upon AD. So, okay? AN upon AD. So, this is AM upon MB and this is AN upon AD. Okay, AN upon AD, this we need to prove. Okay, so now let us understand what exactly we can do to prove this condition. इस condition को prove करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं proof.
हम प्रूफ को समझते हैं, प्रूफ लिखते हैं। मैंने क्या कहा, प्रूफ में सबसे पहले आप वह चीज लिखिए जो कि आप गिवन कंडीशन से कंक्लूड कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहली गिवन कंडीशन है LM और BC पैरेलल हैं। LM एंड दिस इज BC, सो LM एंड BC आर पैरेलल। क्या LM और BC के पैरेलल होने से मैं कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं? हाँ, अगर आप फिगर को बड़े ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में LM एक BC साइड के पैरेलल है। सो व्हाट आई कैन सी इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। सो दिस इंप्लाइज अगर LM मतलब यह साइड, यह लाइन इस साइड के पैरेलल है, सो डेफिनेटली यह लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। ओके, मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दैट AM और दिस इज AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन, दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट आई हैव डन, मैंने ट्रायंगल ABC कंसीडर किया, LM जो है वो BC के पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो उस बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन लिख दिया दैट AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB, दिस इज द कंक्लूजन। ओके, तो हमने पहली गिवन कंडीशन से ये कंक्लूजन निकाला। नाउ कंसीडर द सेकंड गिवन कंडीशन दैट LN इज पैरेलल टू DC, यह LN है यह DC है, तो क्या मैं जैसा रिजल्ट ABC ट्रायंगल में देख सकता हूं, क्या उसी तरह का रिजल्ट मैं ADC ट्रायंगल में भी निकाल सकता हूं? बिकॉज़ LN कहां पर है, ADC ट्रायंगल में लाई कर रही है। सो आई कैन सी दैट इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में LN इज पैरेलल टू BC, LN है BC के पैरेलल, दिस इज LN, दिस इज BC, सॉरी DC, LN इज पैरेलल टू DC, सो व्हाट कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ, दिस विल इंप्लाई दैट AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AN अपॉन N एंड D। ओके, हमने कंसीडर किया ADC ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल में LN इज पैरेलल टू DC साइड, सो डेफिनेटली इट इज डिवाइडिंग द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। सो दिस इज द कंडीशन आई कैन राइट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल दिस इज, दिस टू आर पैरेलल्स, सो डेफिनेटली दिस इज डिवाइडिंग द टू साइड्स, विच टू साइड्स, AD एंड AC। ओके, सो AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND, दिस इज द रिजल्ट दैट आई कैन राइट। ओके, नाउ सो आई हैव रिजॉल्व द टू गिवन कंडीशंस और हमारे पास दो कंक्लूजन्स आ गए हैं। अब बड़े ध्यान से देखिए, हमें चाहिए प्रूफ में AM और AB, AM और AB, ओके, और इधर पे चाहिए AN और AD। सो डेफिनेटली हमें AB साइड से और AD साइड से ही मतलब है, हमें उन्हीं से, उन्हीं का यूज है, तो डेफिनेटली इन दोनों कंक्लूजन से, जो दो इक्वेशंस आई है, इन दोनों इक्वेशन से हम इस तरह का कुछ रिलेशन बनाने का सोचते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं इन बोथ द इक्वेशंस द LHS इज AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, यहां पर है AM अपॉन MB मतलब ये AB वाला साइड, यहां पर है AN अपॉन ND मतलब ये वाला साइड, AD वाला साइड। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आई कैन राइट दैट AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस, आई वॉन्ट AM अपॉन AB, मुझे यहां पर AM अपॉन MB दिख रहा है लेकिन MB की जगह मुझे AB चाहिए, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम वही अप्रोच जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई। देखिए, दिस इज AB, दिस इज AM एंड दिस इज MB, सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट दैट MB इज बेसिकली इक्वल्स टू AB माइनस AM।
okay. I can write that this MB is basically AB complete AB minus AM, this is AM, okay. सिमिलरली यहां पर ए एन के नीचे एन डी है, यहां पर ए एन के नीचे मुझे ए डी चाहिए. सो आई कैन सी दैट ए डी इज वॉट, इट इज ए एन प्लस एन डी. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट दैट एन डी इज इक्वल्स टू ए एन, सॉरी ए डी माइनस ए एन. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज ऑफ एम बी एंड एन डी इन दिस इक्वेशन, वॉट आई विल गेट इज ए एम अपॉन ए बी माइनस ए एम is equals to a n upon a d minus a n. This is the condition. हमें यही condition दिखाई देगी, a m upon a b minus a m is equals to a n upon a d minus a n. Again वही approach लगाते हैं, हमें यहाँ से a m और a m को remove करना है. a m और a n को क्या करेंगे, इसका reciprocal. इसका reciprocal. So when you reciprocate this, you will get AB minus AM upon AM is equals to AD minus AN upon AN. Now I can separate these two values. मैं यहाँ पर दोनों को separate कर सकता हूँ. Separate करेंगे तो you will get AB upon AM is equals, sorry, minus AM upon AM. This is equals to AD अपॉन ए एन माइनस ए एन अपॉन ए एन. यू कैन सी यहां पर ए एम अपॉन ए एम, ए एम अपॉन ए एम और ए एन अपॉन ए एन कैंसिल होगा एंड यू विल गेट ए बी अपॉन ए एम माइनस वन इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एन माइनस वन. सो यू कैन सी आई कैन कैंसल माइनस वन एंड माइनस वन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड आई हैव गॉट ए बी अपॉन ए एम is equals to AD upon AN. What I can do is, I can again reciprocate this, okay. So again if I take reciprocal, you will get AM upon AB is equals to AN upon AD. This is the final conclusion that we can draw from the from this equation, okay. And this is what we have to prove. And we have proved it, okay. So hence proved. So don't try to mug up the question. इसे याद करने की, इसे रटने की कोशिश ना करें. आप ये देखें कि अप्रोच क्या लगी है. मैंने क्या करा, दोनों गिवन कंडीशन से जो कंक्लूजन निकलता है उसको सबसे पहले लिख लिया और लिखने के बाद फिर इस इक्वेशन को एनालाइज किया और इन दोनों रिजल्ट्स को एनालाइज किया और एक सिंपल सी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ के हम ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज आरएचएस बिकॉज एलएचएस दोनों ही केसेस में सेम है. सो एएम अपॉन एमबी और ये वाला इक्वेशन आ गया. अब क्या है, अब हमें दिख रहा है कि एएम के नीचे यहां पर एमबी है लेकिन एएम के नीचे मुझे एबी चाहिए तो क्या करूं, किसी तरह से एमबी को हटा देते हैं. एमबी को हटाने के लिए क्या करा, हमने इस इक्वेशन का सहारा लिया, ओके. और वहां पर एनडी को हटाने के लिए हमने इस इक्वेशन का सहारा लिया और इस इक्वेशन के बाद नाउ इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट सिंपल द मैनिपुलेशन ऑफ रेशियोस. यहां पर आपको सिर्फ रेशियोस का मैनिपुलेशन करना है एंड यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट, ओके. सो इन दिस मैनर वी हैव प्रूव्ड दैट ए एम अपॉन एम बी, सॉरी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 4. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके. इसे नोट कर लीजिए.